सुप्रीम कोर्ट की जज जस्टिस बीवी नागरत्ना ने कहा, भारत में राज्यपाल वहां भूमिका निभा रहे हैं जहां उन्हें नहीं निभाना चाहिए और जब उन्हें सक्रिय भूमिका निभानी चाहिए तब वो निष्क्रिय हैं। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में राज्यपालों के खिलाफ मामलों को एक दुखद कहानी बताया। उनकी टिप्पणी ऐसे समय में आई जब केरल और तमिलनाडु जैसे राज्यों ने अपने राज्यपालों के विधेयकों को मंजूरी न देने के मुद्दे पर सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया और कोर्ट ने एक अलग मामले में संविधान के अनुच्छेद 361 के तहत राज्यपालों को आपराधिक अभियोजन से दी गई छूट के प्रश्न की जांच करने पर सहमति व्यक्त की है। जस्टिस नागरत्ना ने क्या कहा ये भी देखिए। कहा कि आज के समय में दुर्भाग्य से भारत के कुछ राज्यपाल ऐसी भूमिका निभा रहे हैं जो उन्हें नहीं निभानी चाहिए और जहां उन्हें भूमिका निभानी चाहिए वहां वो निष्क्रिय हैं। सुप्रीम कोर्ट ने राज्यपालों के खिलाफ मामले में एक दुखद कहानी है। राज्यपाल से कुछ काम किए जाने की अपेक्षा की जाती है, एक्सपेक्टेशंस होती हैं। हम अपने संविधान में राज्यपाल को शामिल करना चाहते हैं। अगर राज्यपाल वास्तव में अपने कर्तव्यों के प्रति सचेत हैं और वो अच्छी तरह से काम करते हैं तो समझ और सामंजस्य ले आएंगे। ये केवल इसी उद्देश्य के लिए प्रस्तावित है। शासन का विचार राज्यपाल को पार्टी की राजनीति गुटों से ऊपर रखना और उसे पार्टी के मामलों के अधीन नहीं करना है। तमाम बातों पर जोर दिया सुप्रीम कोर्ट के जज नागरत्ना ने। दरअसल सुप्रीम कोर्ट के जज की टिप्पणी कर्नाटक के राज्यपाल थावरचंद गहलोत और राज्य की कांग्रेस सरकार के बीच यानी कि कथित मूडा मैसूर शहरी विकास प्राधिकरण साइट आवंटन घोटाले को लेकर चल रही असहमति के बीच ये टिप्पणी आई है। इसमें मुख्यमंत्री सिद्धारमैया की पत्नी पार्वती का नाम सामने आया। वहीं गहलोत ने पिछले हफ्ते सिद्धारमैया को दरअसल कारण बताओ नोटिस जारी किया था। राज्यपाल ने नोटिस जारी किया था और इसी बीच अब ये टिप्पणी।